नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल बोध स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। चलिए बात कर लेते हैं सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म राधे के बारे में, राधे योर मोस्ट वांटेड भाई। ये फिल्म दरअसल रिलीज होने वाली थी 2020 के ईद में, बट अनफॉर्चुनेटली कोरोना अटैक और जो सारी चीजें हुई उसके चलते दोस्तों ये फिल्म रुक गई। लेकिन अब क्या है, क्या ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो रही है, क्या हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स या फिर Z5 इनमें आप इस फिल्म को देख सकते हैं? वेल, सबसे पहले आपको बता दूं, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूमर चल रहा था और ये रूमर इस तरीके से था कि सलमान खान की फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई जो है ये थिएट्रिकल रिलीज जो है इसको स्किप कर देगी, राइट? लेकिन आप लोगों को अब मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है। मिस्टर तरण आदर्श ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। बताना चाहता हूं, तरण सर कहते हैं कि राधे ओटीटी रूमर्स बेसलेस, देयर वाज स्पेकुलेशंस इन द एग्जीबिशन सेक्टर एंड दैट राधे स्टारिंग सलमान खान विल स्किप थिएट्रिकल रिलीज, विल स्ट्रीम ऑन ओटीटी डायरेक्टली। इट्स टोटली फॉल्स। यहां पर बता दिया उन्होंने कि ये सरासर गलत है। द प्रोड्यूसर्स आर क्लियर, राधे विल रिलीज इन सिनेमास और वो भी ईद रिलीज, यानी कि 2021 के ईद में हम शायद देख सकते हैं, क्योंकि सिनेमा घर खुल चुके हैं और प्लस फिल्में रिलीज हो रही हैं। सूरज पर मंगल भारी फिल्म रिलीज हो गई और आगे आने वाले दिनों में भी रिलीज होगी। तो अब क्या किया जाए? अब ऐसे में दोस्तों यही बात सामने आ रही है कि राधे योर मोस्ट वांटेड भाई, जो सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म है, वो 2021 के ईद में रिलीज हो सकती है। व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन दिस? क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, सिनेमा एक इंटीग्रल पार्ट है जिंदगी का और अब देखते हैं कि फैंस जो है या फिर जनता जो है वो इस तरीके से स्वीकार करती है या नहीं करती। आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट सेक्शन में इसके बारे में मुझे जरूर बताएं और बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूज। जी हाँ, कमेंट करके जरूर मुझे बताएं। टेक केयर।